हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो वीडियो जो होने वाला है वो सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 का 12 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था अलग अलग सेंटर पर, तो उसी का ये सोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन जो आपको मिलेगा ना, ये आपको अभी फ़िलहाल आप मिला लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको आप डिटेल सोल्यूशन अगर चाहते हैं, मैथ का अलग, सोशल साइंस का अलग, एसएसटी का अलग, साइंस का अलग, मैथ्स का अलग, हिंदी इंग्लिश का अलग चाहते हैं, ठीक है, तो वो आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर आप सिर्फ आंसर मिला लीजिएगा, और आंसर मिलाने के बाद आप अपना बताइएगा कि मेरा कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन आपको और भी देना है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये है कि जो स्टूडेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय का, ठीक है, JNV का, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ सर मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि उसका भी आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 2 दिनों के अंदर उसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा सारा, प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा और आपका साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए नवंबर या दिसंबर के आसपास इसका फेज 1 का एग्ज़ाम ले लेगा, नवोदय के फेज 1 का एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर के आसपास ले लेगा। इसी कारण से आप लोग जितने भी फॉर्म अप्लाई किए हो, चाहे आपके दोस्त हो, भाई बहन जो भी हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस 2 दिन के अंदर मैं JNV का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जो सिमुलतला का जो एग्ज़ाम हुआ था 12 अक्टूबर का, उसका पहले हम आंसर के बारे में मिला लेते हैं। ठीक है, और अगर कुछ मिस्टेक वगैरह अगर होता है, कहीं पर कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप, या फिर कुछ मिलाने में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर इसका आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैथ का सेक्शन दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, डिटेल सॉल्यूशन आपको आगे वाला वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो एक का राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 2 का आंसर जो हो जाएगा वो C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तीन नंबर में आइए, 3 नंबर का आ जाएगा 1.135। देख लीजिए किस ऑप्शन में B नंबर हो जाएगा, 1.135। अब ये कैसे होगा तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा बाद में। 4 का C नंबर हो जाएगा। 5 नंबर में आइए, 5 का जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। 6 नंबर का भी C हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो देखिए सबसे बड़ा भिन्न ढूंढने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो 4/15 होना चाहिए सबसे बड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर में आ जाइए, 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 224। 9 नंबर में हो जाएगा 2 समकोण B नंबर। 10 नंबर बताना है, ठीक है, आप भी कैलकुलेशन करके बता सकते हो कि 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 238 हो जाएगा। 11 नंबर में 9900, यहाँ पर आपको बताना है 12 नंबर में, तो इसका 280 हो जाएगा। 13 नंबर में आपको चेंज करने के लिए कह रहा था, 13 नंबर का भी आप बता सकते हो कि 13 नंबर कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हो कितना इसका राइट आंसर हो सकता है 13 नंबर का, तो इसका हो सकता है 3.04, देख लीजिए B नंबर में है। आगे हम लोग 14 नंबर पर बढ़ते हैं, तो इसे भी आपको चेंज करके बताना है कि कितना होगा, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा ये आपका 8.96 किस ऑप्शन में देख लीजिए B नंबर हो जाएगा। 15 नंबर कह रहा है कि 7/8 किसके बराबर नहीं है, तो ये पूछ रहा है कि किसके बराबर नहीं है, तो C नंबर हो जाएगा। 16 में आ जाइए, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे छोटा बताना है, सबसे छोटा कौन है, तो 21/37 हो जाएगा। ये तो 17 नंबर हल्का, 17 नंबर में क्या हो जाएगा, तो 0.05 देख लीजिए किस में है B नंबर हो जाएगा।
18 नंबर में 2 डेका मीटर, तो इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39 सेंटीमीटर को, तो इसका डी हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, 20 नंबर में आइए, तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 225। ये जोड़कर बताइएगा 21 नंबर में कितना आ जाएगा, तो ये आपका सी नंबर आ जाएगा। और 22 नंबर का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। एक सेकंड, 2 नंबर नहीं होगा। ठीक है, कह रहा कि निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा 22 का, वो आपका हो जाएगा 1 नंबर होना चाहिए। ठीक है, पच्चीस बटा ग्यारह को हम कैसे व्यक्त कर सकते, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 24 का 2 हो जाएगा, 25 का 15, 45, 26 का 4 गुना, 27 बताना है, 27 का कितना हो जाएगा, तो 27 का राइट आंसर जो हो जाएगा 234। ठीक है, चलिए आप भी कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कितना होगा। अट्ठाईस नंबर बताना है तो 66, किनारा बताना, घन में किनारों की संख्या तो 12 होता है। 30 नंबर बताना है ना, तो ये सीधा सीधे आप भाग दे दीजिएगा, तो ये आपका 256 के आसपास आ जाएगा। 31 नंबर आ जाइए, है ना, तो 31 नंबर में आपका सी नंबर होना चाहिए। ठीक है, 31 नंबर का कौन सा हो जाएगा, सी नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें एलसीएम बोल रहा कि एलसीएम कितना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर बताना है कि 32, 32 तो है, 32। ठीक है, तो 32 का कितना हो जाएगा, 2200। 33 नंबर आ जाइए, तो बताइएगा 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सी नंबर हो जाएगा। 34 नंबर बताना है, 34 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 34 का भी सी ही होना चाहिए। 35, 35 में आ जाइए, 35 का हो जाएगा कितना हो जाएगा, दोनों को आपको जोड़ना है तो सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर 25 होना चाहिए, कुल 20 का स्क्वायर शायद कर दिए होंगे, लेकिन ये बाढ़ दिया हुआ है। ठीक है, बाढ़ मतलब किसको बोलते हैं, ये घेरा जो घेराव होता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, 37 नंबर में आ जाइए, 37 नंबर में क्या हो जाएगा, 37 है ना, तो 37 का जो राइट आंसर होगा 1 नंबर। 38 नंबर घटा के बताइएगा, तो ये तो सी नंबर होना चाहिए। आगे आते हैं 39, तो 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। और 40 है, तो 40 का कौन सा होना चाहिए, ये सी नंबर। ठीक है, चलिए ये आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आगे कौन सा सेक्शन है वो हम आगे देख लेते हैं। कह रहा है मानस अभ्यारण्य कहाँ, ये साइंस का पोर्शन स्टार्ट हो गया, तो ये असम में है। जल्दी जल्दी हम लोग मिला लेते हैं, बाकी डिटेल सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलिएगा। ये इसका 42 का सी नंबर हो जाएगा। 43 में आ जाइए, 43 का होना चाहिए, 43 का एक नंबर। ठीक है, 44 का सी होगा। जल्दी जल्दी अभी सिर्फ मिला लीजिएगा। ठीक है, 44 था ना, 45 पर आते हैं, तो 45 का दो नंबर हो जाएगा। ठीक है, मिलाते जाइएगा और हमको बताइएगा कि कितना 150 में कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नए लोग हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग 46 नंबर पर बढ़ते हैं, तो 46 का डी नंबर हो जाएगा। 47 का जो हो जाएगा वो दो नंबर। 48 में आ जाइए, कौन सा मशीन एक साधारण, अब देखिए इसमें क्या है ना कि पुली स्क्रू ये सब साधारण मशीन है, ऐसे तो सिलाई मशीन होना चाहिए।
ठीक है, मोटर पंप में घिरनी होता ही है, ठीक है, सिलाई मशीन ऐसे होना चाहिए। 49 पर आ जाइए तो ये बंद परिपथ हो जाएगा। 50 नंबर में क्या कह रहा है, चंद्र ग्रहण, तो एक नंबर हो जाएगा, पृथ्वी बीच में आ जाता है। जॉन्डिस के बारे में पूछ रहा है, पीलिया रोग, तो ये जल से होता है। आगे कह रहा है कि घरेलू कचरा एक अच्छा स्रोत होता है, तो जैविक खाद के लिए अच्छा होता है। 53 नंबर में कह रहा है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, दाल है। उष्मा की इकाई क्या है, तो ऐसे ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में देखिए हीट लिखा हुआ है, ठीक है। सर्वदाता, तो सर्वदाता में ब्लड ग्रुप ओ। ताप बढ़ने पर रेल के पथ की पटरियों में क्या परिवर्तन होता, तो फैल जाता है, एक नंबर। अनाज के परिरक्षण के लिए कौन सी प्राकृतिक घटना उपयुक्त है, हवा रहित। 58 नंबर में मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर बताना है कितना होगा, तो दो नंबर हो जाएगा। आगे कह रहा है ना इसमें कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो दूध का दही में परिवर्तन होना। तो नागफनी का काटा पोल रहा है ना, तो पत्ती होना चाहिए, बाकी कमेंट में आप भी करके बताइएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है, बाकी डिटेल सॉल्यूशन में बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। किस पौधे में रूपांतरित जड़ें सब्जी के रूप में खाई जाती है, मूली। देखिए थोड़ा वीडियो लेट से आता है, लेकिन देर होता है, लेकिन आपको अच्छा से सॉल्यूशन करके मिलेगा, ठीक है। आगे कह रहा है मांसाहारी जंतु कौन सा है, तो दोनों है, ए नंबर भी और बी नंबर भी। 64 नंबर के इन्फ्लुएंजा बीमारी का रोग विषाणु है। मानव शरीर में जल की मात्रा, तो डी नंबर। चलिए अब सामाजिक विज्ञान का सेक्शन स्टार्ट हो गया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से, बाकी को कितना नंबर ऑब्टेंड हुआ है दोनों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो कुमार गुप्त। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया, तो ये हो जाएगा आपका वेद व्यास, डी नंबर। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत, ऐसे तमिल भी है लेकिन राजभाषा में संस्कृत ही है। मैसूर का टाइगर किसको कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान। बिहार में नमक सत्याग्रह, तो 15 अप्रैल 1930, सी नंबर। थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहते हैं, तो बरखान। इंडिका की रचना किसने की, तो इंडिका हो जाएंगे ये मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल पीरियड बताना, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका, दो नंबर ऐसे होना चाहिए, आप भी खोज करके थोड़ा सा बताइएगा इसे, ठीक है। आगे करा बिहार में कौन जिला लीची का सर्वाधिक उत्पादक है, मुजफ्फरपुर। सब पूछा ये क्वेश्चन लगभग दिया, मैथ में तो सब हल्का हल्का ही क्वेश्चन था। करा किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बन जाता, तो देव प्रयाग। आगे कह रहा है कि वनों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र विषयगत मानचित्र। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, हाथी है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना बताना है, तो ये आपका अक्टूबर 1993 में हुआ था। किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता, मुंबई। पहाड़ का सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत, ये किताब का क्वेश्चन है, ठीक है, किताब में भी हिंदी के किताब में शायद ना SST की किताब में पढ़ना है, जो साइंस और SST का किताब है ना उसी में पढ़ना है, तो इसका भूरा रंग हो जाएगा। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे, नहीं बोल रहा है, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। बिहार दिवस 22 मार्च हो जाएगा, तो फेमस है। निम्नलिखित में कौन बिहार का राजकीय पक्षी है, तो गौरैया।
85 नंबर में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। कारा वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे कह रहा है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी। आगे कह रहा है 88 नंबर में राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, तो ब्रह्म समाज के। आगे कह रहा है इसमें कि दो नदियों के मिलन स्थल को संगम कहा जाता है। भारत के सबसे बड़े कृत्रिम सागर पतन का क्या नाम है, तो मुंबई होना चाहिए, ठीक है, कृत्रिम वाला, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। चलिए हिंदी का सेक्शन स्टार्ट हो रहा, तो हिंदी पर ध्यान दीजिएगा। पत्थर शब्द कैसा है, तो ये तद्भव है। हिंदी में तो हल्का हल्का ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, पता है। एक एक ये क्या बोलते हैं उसे, कि जब इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था सिमुलतला का, ठीक है, तो सिमुलतला का जब स्टार्ट होने वाला था, तो उसके एक दिन पहले मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट हिंदी व्याकरण का करवाया था, तो वहाँ पर भी मैं बता चुका हूँ, मतलब एक दिन पहले जो वीडियो बनाया है उसी से क्वेश्चन ही आया है, ठीक है। अगला कह रहा 93 नंबर में कि ऊ क्या है, बड़ी ऊ है, तो यह दीर्घ स्वर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें अप उपसर्ग नहीं है, तो डी नंबर। निम्नलिखित में कौन तत्पुरुष समास है, तो ये आपका गगनचुंबी। पहाड़ टूट पड़ना मतलब भारी विपत्ति आना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। 98 नंबर में आ जाइए, बुढ़ापा कैसा शब्द है, तो भाववाचक संज्ञा है। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, तो आस्तीन का सांप सी नंबर हो जाएगा। 100 नंबर में करा कृदंत किसका भेद है, तो प्रत्यय का। भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ डरफोक। सप्तम स्वर में गाने का मतलब क्या होता है, ऊंचे स्वर में गाना। छा यदि एक स्वतंत्र व्यंजन है, तो जो ये वाला छा है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये संयुक्त व्यंजन होना चाहिए, ये भी सब बताया हुआ क्वेश्चन है। आगे करा भारत शब्द, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। खिलाड़ी शब्द में कौन सा आया है, तो लास्ट वाला प्रत्यय आड़ी हो जाए, सॉरी ये एक नंबर हो जाएगा, ठीक है। धनी शब्द का विलोम निर्धन। नीम शब्द का तत्सम बताना, तो निम्ब हो जाएगा, गाइड बुक से पूछा हुआ क्वेश्चन है। घुटा हुआ सिर का मतलब सिर पर एक भी बाल नहीं होना। मैना सुग्गा क्यों दुखी हो जाते, तो पिंजरे में बंद हो जाने के कारण, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी नदियाँ कहाँ मिल जाती है, तो ये आपका समुद्र में हो जाएगा। आगे करा चार चरक परीक्षा के लिए शिष्यों को कितने दिन का समय दिए, 30 दिनों के लिए। आगे करा तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है, तो उनके तद्भवों में एक नंबर चंद्रबिंदु। आगे इसमें कह रहा है ना कि अदाकारी का अर्थ क्या होता है, अभिनय करना। नेक्स्ट रोजा रखने की जिद कौन करने लगा, असलम। कह रहा है कि सही वाक्य कौन सा है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा पर्यायवाची शब्द है, तो सी नंबर। पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला संबंधित नहीं है, तो नलिन संबंधित नहीं है। काश्तकार शब्द में प्रत्यय बताइए, तो कार हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से 5 भेद हो जाएगा शब्द का। चलिए नेक्स्ट, अब आगे इंग्लिश का पोर्शन है, ध्यान से इसे मिला लीजिएगा। कारा नो बडीज फ्रेंड इज कंपोज्ड बाई, तो ये इनिट बिलिटन हो जाएगा, एक नंबर। द कैमल स्टूड आउटसाइड द टेंट इन द कोल्ड। माइजरी का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो ये हैप्पीनेस। फाइंड द वर्ड मीनिंग ऑफ लवली, तो लवली का मतलब प्लीजेंट होना चाहिए। आगे कर 125 का एक नंबर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट ए पीस ऑफ पेंटिंग इज इट, और 126 का रहा एन इमिग्रांट इज वन, तो एक नंबर हो जाएगा। द बेकर इन द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ द मनी टुक द पुअर मैन टू कोर्ट,
कहानी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो इंग्लिश का किताब पढ़े होंगे तो ये उनके लिए ये हल्का होगा। आगे इसमें 128 नंबर में क्या करा, वन हु मेक्स जर्नी टू ए होली प्लेस इज कॉल्ड पिलग्रिम, ए बुक ऑफ मैप्स द एटलस हो जाएगा। ईयरली मीन्स एनुअल, वन हु डाइज फॉर नोबेल काउज इज कॉल्ड, सी नंबर मार्टियर। सुगंधा डेड ऑफ ऑफ हो जाएगा, कॉलरा। पिक आउट ऑफ द अपोजिट डस्क, डस्क का क्या हो जाएगा, अपोजिट डाउन हो जाएगा। और आगे उसके बाद कह रहा फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, तो करेक्टली बताना है ना, तो सी नंबर हो जाएगा। आगे कह रहा आई कैन नॉट इन्जॉय, आई हैव टू वर्क कंटिन्यूसली, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड पिक के बारे में पूछ रहा है कि अपना घर किससे बनाया था, तो ब्रिक्स से। आगे कह रहा व्हाट व्हाई इज द पोइट इन माय मिरेकल मदर ग्रेटफुल टू हर, एक नंबर हो जाएगा। द पोइट इन द ब्लाइंड वेगर द बेगर क्या हो जाएगा, द डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द रिवार्ड दैट अकबर अनाउंस्ड इन विरबल्स वीट, तो एक नंबर। और ये देखिए पैसेज है, ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन में बाद में करा दूंगा पैसेज का, फिलहाल आप इसका आंसर मिला लीजिए। तो 140 का हो जाएगा बी नंबर और 141 का सी, 142 का जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा और 143 का वेरी हाई, 144 में आ जाइए तो बताइएगा 144 का क्या हो जाएगा। तो 144 का द ड्रग एडिक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग, तो एक नंबर होना चाहिए। ए पर्सन हु इज मेंटली इल, तो लूनेटिक। फाइंड द वनली मिस स्पेल्ड, तो ये डी नंबर हो जाएगा, गलती चुनने के लिए कह रहा है इसमें। 147 का हो जाएगा इग्नोर करना। ए लेडी हु केयर्स फॉर द पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल, नर्स। द अपोजिट क्रेडिट का तो ये फेमस है, डेबिट। और 150 का जो हो जाएगा, वन हु इज एक्सपर्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशन इज डाइटिशियन, ठीक है। तो ये आपका 150 नंबर का ये सॉल्यूशन क्या इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो बाकी आप बताइएगा कि 150 नंबर में आपका कितना आ रहा है। बाकी आपका मैथ का, इंग्लिश का, अगर जो भी सब्जेक्ट बच गया उसका डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सर इसका डिटेल सॉल्यूशन भी लेकर आइए, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी आपका तो हो चुका है, आंसर मिलाकर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है, ठीक है। आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और सब लोगों को फ़ायदा हो सके, लाभ पहुंच सके। बाकी 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, जब 2 दिन के अंदर मैं क्या करूंगा कि आपका जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसका भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा दूंगा। तो चैनल पर जरूर बने रहिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल पाएगा। और वीडियो को देखिए, स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए ताकि बहुत सारी जानकारी आप तक पहुँच पाएगा, ठीक है। तब तक हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।